नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कोरोना एक बार फिर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ता देखा जा रहा। अध्ययनों से पता चलता है कि वायरस में लगातार म्यूटेशन जारी है। इसी से उपजा ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट JN.1 दुनिया भर में एक बार फिर से इस संक्रामक रोग के खतरे को बढ़ा रहा। प्रारंभिक शोध में पाया गया कि वैसे तो JN.1 वेरिएंट गंभीर रोग कारक नहीं है, पर इसके कारण किसी आबादी में तेजी से संक्रमण के प्रसार का जोखिम जरूर अधिक हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट की तरह ये भी आसानी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देकर संक्रमण को बढ़ा सकता है। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में शिकस्त झेलनी पड़ी। दो मैचों के टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में भारतीय टीम को पारी और 32 रनों से हरा दिया। पहली बार के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के पास 163 रन की बढ़त थी। टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में 131 रन पर ऑल आउट हो गई। इस हार से टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारी नुकसान हुआ। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले शीर्ष में पहुंची टीम इंडिया को 4 स्थानों का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आचार्य रजनीश ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र सरस्वती का एक बयान विवादों में आ गया। आचार्य शैलेंद्र सरस्वती इस समय बुरहानपुर आए हुए हैं। यहां उनका 3 दिवसीय ध्यान शिविर कार्यक्रम का आयोजन चल रहा। बता दें कि शिविर का आयोजन शहर की एक निजी संस्था मैक्रो विजन एकेडमी करा रही है। इसी के चलते आचार्य सरस्वती ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने देश के साधु संतों को कथित रूप से पाखंडी बता दिया। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा। इसको लेकर धार्मिक भावनाएं आहत होने के संबंध में शहर के ही शिकायतकर्ता ने लालबाग थाना में शिकायत भी दर्ज कराई। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य में मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका दिया। मामला 2021 के कैपिटल हिल दंगे में ट्रंप की भूमिका से जुड़ा है। मेन राज्य की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शीना ली बेलोज ने मामले में संवैधानिक विद्रोह के प्रावधान का हवाला देते हुए ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके तहत ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की होड़ में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में अगर ऊपरी कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए मेन राज्य में होने वाले प्राथमिक चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रामलला की अचल मूर्ति बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के समय 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की आंखों से जिस समय पट्टी हटाई जाएगी उस वक्त गर्भगृह में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। मोदी रामलला को पहली बार दर्पण में उनकी दिव्य झलक दिखाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह का पर्दा बंद रहता है। पट्टी हटाने के बाद मूर्ति को दर्पण दिखाने का विधान है, जिससे कि सबसे पहले खुद भगवान अपना चेहरा देख सके। इस विधान का निर्वहन पीएम मोदी करेंगे। रामलला की पहली आरती भी पीएम उतारेंगे। आगरा में शीतलहर और कोहरे की वजह से माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश और बढ़ा दिया गया। जिलाधिकारी की तरफ से 29 व 30 को भी सभी बोर्ड के स्कूल बंद रहने का निर्देश है। अब नए साल में स्कूल खुलेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर का रविवार है और 1 जनवरी से अधिकतर स्कूलों में अवकाश शुरू हो रहे हैं। कोहरे की चादर दोपहर तक नहीं हट रही है। इस वजह से बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावकों को दिक्कत हो रही थी। जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार का अवकाश घोषित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी ठंड और कोहरा जारी रहा। इन दिनों दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की मार झेल रहा। कड़ाके की ठंड ने दिल्ली वालों को घरों में दुपकने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट का संकेत दिया है। पारे में गिरावट के साथ ही पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं दिल्ली में भी सिहरन पैदा कर सकती है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री व अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। वहीं दिल्ली NCR के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0-50 मीटर तक रही। जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रहे उठापटक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे। बिहार भवन में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों को खारिज करते हुए कहा, नीतीश कुमार हमारे सर्वोच्च नेता हैं, जदयू एक है और एक ही रहेगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ही शाम 4 से 5 बजे के बीच जदयू के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें CM नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। जम्मू में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। पीड़ित को होम आइसोलेशन में रखा गया। GMC के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह नया वेरिएंट तो नहीं है। पीड़ित की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, लेकिन वह विदेश से लौटे कुछ लोगों के संपर्क में कुछ दिन पहले आया था। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाना शुरू कर दिया।
इससे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने आरटीपीसीआर परीक्षण की समीक्षा की। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी विभाग में परीक्षण प्रयोगशाला का दौरा किया। इस दौरान कर्मचारियों से बातचीत की। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने आज गुरुवार 28 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। अभिनेता ने राजनेता से उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। अनुपम ने राजनाथ सिंह से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी मुलाकात की तस्वीरें की एक सीरीज साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने राजनाथ सिंह को गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।